नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमंत और आज हम शुरू करेंगे लुसेंट जी के में जो इंडियन पॉलिटिक्स का सेक्शन है उस पे लेसन की पूरी सीरीज़। हम करेंगे क्या कि जो लुसेंट की जो बुक आती है उसमें जो जो टॉपिक दिए हुए हैं टॉपिक नंबर 1 से आखिरी टॉपिक तक दोस्तों सारे जो चैप्टर हैं वो हम पढ़ेंगे आपके साथ। ये जो वीडियो होगा दोस्तों किसके लिए फ़ायदेमंद होगा, जो हमारे दोस्त तैयारी करते हैं स्टेट PCS की, फॉर एग्ज़ाम्पल BPSC, UPPSC और दोस्तों जो अलग अलग राज्य के, उड़ीसा के हो गया, हमारा MP है, राजस्थान PCS, इन सब के जो दोस्तों एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। जो दोस्त हमारी तैयारी करते हैं SSC की, रेलवे के अलग अलग एग्ज़ाम होते हैं उनकी, समझ रहे हो। तो जिस भी एग्ज़ाम में जनरल नॉलेज दोस्तों पूछा जाता है, जहाँ पर आपको पॉलिटिक्स के सवाल, GK के सवाल आते हैं, उन सभी एग्ज़ाम्स में के लिए आपको ये वीडियो है जो है वो हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पर हम आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बताएंगे, किसी खास लाइन को समझने के लिए आपको क्या बातें ज़रूरी होती हैं, जो कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए होते हैं, जो कॉन्सेप्ट दोस्तों जो टफ होते हैं ना, उनको हम यहाँ पर एक्सप्लेन करेंगे। जो वीडियो होगा उसके आखिर में हम देंगे आपको MCQs जो आपको हेल्प करेगा कि आपने हमारा जो लेसन है वो अच्छे से समझा है कि नहीं, ठीक है ना दोस्तों। तो हम करते हैं क्या, हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि दोस्तों क्या हमारा जो पहला पेज है उस पर क्या लिखा है। पहले बताया गया है इस जो पेज है वहाँ पर कि जो पॉलिटिक्स है इसका जन्म कैसे हुआ। पॉलिटिक्स जो शब्द है मिलकर के बना है एक ग्रीक वर्ड पॉलिस से, ठीक है ना सर, पॉलिस, इससे बना है हमारा शब्द पॉलिटिक्स, ठीक है। क्या होता है ये, हमारी होती है राजनीति। इसके आगे बातें होती हैं अरस्तु की, जिसे हम दोस्तों जानते हैं एरिस्टो के नाम से भी। अरस्तु कौन था, एक ग्रीक फिलोसोफर था। उसका टीचर कौन था, उसका टीचर था प्लेटो। और दोस्तों उसके टीचर का टीचर कौन था, प्लेटो का टीचर था सोक्रेट, ठीक ना सर। तो देखो ऐसे सुकरात, इसका चेला आया प्लेटो, प्लेटो का चेला कौन आया, अरस्तु, ठीक है दोस्तों। तो देखो यहाँ पर क्या बातें लिखी गई हैं, लाइन समझ, यहाँ पर क्या लिखा गया है। अरस्तु द वर्ल्ड फेमस ग्रीक फिलोसोफर हाउएवर एक्सेल्ड हिज टीचर प्लेटो एंड हिज टीचर्स टीचर सोक्रेट। ये जो एक लाइन है इसमें आपको तीन कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, आपको तीन फैक्ट दिए गए हैं। क्या, पहला अरस्तु क्या था, एक ग्रीक फिलोसोफर था। दूसरा इसका टीचर कौन था, प्लेटो। इसका टीचर कौन था, सोक्रेट, ठीक है सर। नाउ अरस्तु जिसे हम लोग मानते हैं फादर ऑफ पॉलिटिक्स, कहाँ पर, पश्चिम में। हमारे दोस्तों इंडिया में कौन है, हमारे यहाँ मनु हैं, जिन्हें हम लोग भारत का पहला पॉलिटिकल थिंकर कहते हैं। उनकी किताब आती है मनुस्मृति, जो कि भारत का पहला लॉ बुक है, ठीक है सर। अब देखते हैं हम लोग बातें इसके बारे में डिटेल से। आगे बोलता है कि मनु के बाद आए हमारे कौटिल्य, जिनको हम जानते हैं चाणक्य के नाम से भी। इन्होंने फॉर्म किया और फॉर्मुलेट किया थिंकिंग एंड गेव इट अ कॉन्क्रीट फॉर्म इन द शेप ऑफ अ बुक, जिसका नाम था अर्थशास्त्र। तो जो अर्थशास्त्र है, देखो अर्ध नहीं बच्चा, हमारा है अर्थशास्त्र, ठीक है ना, था, धा नहीं था। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी, कौटिल्य ने लिखी थी। किस पर थी किताब, पॉलिटी पे किताब थी। अगला टॉपिक हमारा आता है रिपब्लिक ऑफ इंडिया, जो भारतीय गणराज्य है, इसके बारे में बात की गई है। कह रहा है इंडिया क्या है, इंडिया एक यूनियन ऑफ अ स्टेट है। हमारे संविधान में फेडरेशन ऑफ अ स्टेट नहीं कहा गया है, ठीक है ना, क्या बोला गया है, यूनियन ऑफ अ स्टेट है। क्यों बोला गया है यूनियन, क्योंकि भारतीय संविधान में हमारे जो राज्य हैं वो आपस में एग्रीमेंट करके नहीं बनाया है फेडरेशन। हमारा जो देश था वो एक था, ठीक है ना। हमारे देश को दोस्तों इसका शासन करने के लिए जो एडमिनिस्ट्रेटिव ईज है, इसके लिए हमने इसको बांटा है अलग अलग राज्यों में। बस में आती है ये क्या है, ये एक यूनियन है। इट इज़ अ सोवरेन सोशलिस्ट सेकुलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक विथ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। जो रिपब्लिक है इसको गवर्न किया जाता है किसके द्वारा, संविधान के माध्यम से। इट वॉज अडॉप्टेड बाई आवर संविधान सभा ऑन 26 नवंबर 1949, ठीक है। संविधान सभा ने संविधान को दोस्तों कब अडॉप्ट किया था, 26 नवंबर 1949 को। हमारा जो संविधान था वो फोर्स में कब आया था, ये फोर्स में आया था 26 जनवरी 1950 को। इस दिन हमारा जो भारत है वो गणराज्य बन गया। गणराज्य क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि हमारा जो हेड ऑफ द स्टेट है, हेड ऑफ द स्टेट मतलब हमारे जो राज्य प्रमुख हैं वो होते हैं इलेक्टेड। कौन होते हैं, राष्ट्रपति होता है, ध्यान सुनना, हेड ऑफ द स्टेट ये कौन होते हैं, हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि होते हैं इलेक्टेड। चूंकि ये इलेक्टेड हैं इसीलिए हम कहते हैं क्या कि हमारा देश एक गणराज्य है। अगर राष्ट्र प्रमुख इलेक्टेड ना होकर के अगर दोस्तों वंश से चलते, मतलब जैसे कि दोस्तों
हम जो है ना ब्रिटेन, वहाँ पर क्या है, वहाँ पर रानी होती है ना, तो वहाँ पर वंश चलता है, वहाँ पर जिसमें क्या होती है, वहाँ पर जो होती है ना मोनार्की, वो होती है। तो जो ब्रिटेन है वो गणराज्य नहीं है, ठीक है ना, वो क्या है, वो एक मोनार्की है। चूंकि हमारा हेड ऑफ द स्टेट इलेक्टेड है, ये बन गया हमारा रिपब्लिक। हमारा हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, प्रेसिडेंट होता है। हमारा हेड ऑफ द गवर्नर कौन, गवर्नमेंट कौन होता है, हेड ऑफ गवर्नमेंट हमारा होता है हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री। बस में आती है, आगे देखो। संविधान इनविसाज पार्लियामेंट्री फॉर्म, हमारे यहाँ प्रेसिडेंशियल फॉर्म नहीं है, हमारे यहाँ पार्लियामेंट्री फॉर्म है। कहाँ से लिया है हमने, ब्रिटेन से लिया है। ये फेडरल है, फेडरल मतलब क्या होता है, फेडरल का मतलब ये होता है कि हमारा जो गवर्नमेंट है ना वो अलग अलग बटा हुआ है लेवल में। हमारे सबसे ऊपर है केंद्र, ठीक है, इसके नीचे है राज्य, ठीक है, इसके नीचे क्या है हमारे लोकल सेल्फ बॉडी, ठीक है दोस्तों। हमारे जो पंचायती राज्य हैं, हमारे जो म्यूनसिपलिटी हैं, ये हमारे हैं क्या, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। तो सर हमारे यहाँ तीन लेयर हैं, तीन लेयर हैं हमारे फेडरेशन के। जो प्रेसिडेंट हैं, इट इज हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव ऑफ द यूनियन, ठीक है सर। ध्यान देना एक बात, क्या लिखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल। केवल हमारे जो प्रेसिडेंट होते हैं ना, वो केवल नाम मात्र के हेड हैं, क्या है वो प्रशासनिक हेड हैं, ठीक है ना। मेन कौन होता है, मेन हमारे होते हैं प्राइम मिनिस्टर। क्यों, क्योंकि हमारे जो राष्ट्रपति जी हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के एडवाइस पे काम करता है, ठीक है। आगे देखो, आर्टिकल बताया गया है 74 के बारे में, ये बताता है कि देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द प्राइम मिनिस्टर एज इट्स हेड टू एड एंड एडवाइस द प्रेसिडेंट हु शैल इन एक्सरसाइज हिज फंक्शन एक्ट इन अकॉर्डेंस विद द सच एडवाइस। देखो आर्टिकल 74(1), ये तो पहले बताता है क्या कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या होगा, इसका हेड कौन होगा, हमारे प्रधानमंत्री, ठीक है ना। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देगा सलाह, इस सलाह के आधार पर हमारे राष्ट्रपति जी क्या करेंगे, अपना जो कार्य है वो करेंगे, ठीक है ना। अगर देखो, जो रियल एग्जीक्यूटिव पावर होता है किसके हाथ में होता है, हमारे काउंसिल मिनिस्टर के हाथ में होता है। इसके कौन होते हैं हेडमैन, इसके हेड होते हैं हमारे पीएम। ध्यान सुनना, जो हमारा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है, ये होता है कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। ध्यान सुनना, लोकसभा के प्रति ये जिम्मेदार होता है। जो हमारे मंत्री होते हैं, जो हमारे मंत्री हैं, जो COM का पार्ट है ना, वो इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, ठीक है ना। इंडिविजुअली होते हैं किसके प्रति, राष्ट्रपति के प्रति, और कलेक्टिवली होते हैं किसके प्रति, लोकसभा के प्रति। इसका मतलब क्या हुआ, कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल का मतलब ये हुआ कि अगर लोकसभा ने नो कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, तो जो हमारा काउंसिल मिनिस्टर है ना, इसको रिजाइन करना पड़ेगा। बस में आती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये है कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं अगर हमारे प्रधान मिनिस्टर ने रिकमेंडेशन दी है हमारे राष्ट्रपति को, तो ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है ना, इसके जो मंत्री होते हैं, सभी में सहमति बननी चाहिए। अगर कोई मिनिस्टर जो है वो सहमत नहीं होता, तो उसको इस्तीफा दे देना चाहिए, ठीक है। आगे, सिमिलरली इन द स्टेट गवर्नर इज द हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बट इट इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द CM एज इट्स हेड, जिसके पास रियल पावर होता है, ठीक है ना सर। जो हमारा राज्य में हमारा है ना मंत्रिमंडल, इस हमारा जो मंत्रिमंडल है राज्य में, वो कलेक्टिवली होता है रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति, हमारे जो विधानसभा है ना राज्य का, उसके प्रति। और दोस्तों, इंडिविजुअल प्रति, इंडिविजुअली होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल वो गवर्नर के प्रति। राज्य में जो गवर्नर हैं हमारे, वो किसी भी मंत्री को हटा सकता है अगर CM ने उनको रिकमेंडेशन दी है, तो ठीक है दोस्तों। अब देखो, हमारे यहाँ जो अलग अलग विषय हैं उस पर लॉ बनाने का अधिकार दिया गया है हमारे पार्लियामेंट को, ठीक है ना, और हमारे विधानसभा को जो हमारे राज्यों में है। 7th शेड्यूल के अंतर्गत हमारे पास है तीन लिस्ट, कौन कौन सा लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट। बस में आती है, यूनियन लिस्ट पे, इस लिस्ट में जो हमारा सब्जेक्ट है ना, इस पर लॉ कौन बनाएगा, केवल हमारा पार्लियामेंट। स्टेट लिस्ट में कौन बनाएगा, कौन दोस्तों, हमारे बनाएंगे राज्य, और कुछ खास केस में हमारा जो पार्लियामेंट है वो भी बना सकता है इस विषय में लिखे हुए जो है ना विषय, उस पर कानून। मतलब कि जो स्टेट लिस्ट है, इसमें जो विषय लिखे गए हैं, इस पर नॉर्मली राज्य बनाएगा कानून, ठीक है,
और स्पेशल केस में हमारा जो पार्लियामेंट है उसके पास आता है परमिशन हमारे बनाने का कानून। थर्ड हमारा है कॉन्करेंट लिस्ट, ठीक है। कॉन्करेंट दोस्तों इसमें जो हमारे विषय लिखे गए हैं ना, इस पर लॉ बनाएगा कौन? दोनों, केंद्र भी और राज्य भी। ये हो गया बात है हमारा जो रिपब्लिक है इसके बारे में। आगे बताता है कि हमारा संविधान क्या है। संविधान ऑर्डिनेंस फंडामेंटल प्रिंसिपल, ये बताता है कि आखिर जो देश है ये काम कैसे करेगा, किन प्रिंसिपल पर ये चलेगा, ठीक है। बातें सेम दोस्तों सेम बताई गई इसके बाद यहाँ पर कि जो हमारा संविधान था ये अडॉप्ट किया गया था कब? 26 नवंबर को 1949 को। ऑपरेशन में आया कब? 26 जनवरी 1950 को। और ओरिजिनली इसमें 22 पार्ट थे, 395 आर्टिकल थे और 8 शेड्यूल थे। आगे कहता है कि हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है इसका पार्ट क्या क्या होगा। हमारा जो देश उसका नाम क्या है? देश का नाम है भारतीय गणराज्य। इसका टाइप क्या है हमारे देश का? हमारा देश सॉवरेन है, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है विथ अ पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली में। 29 राज्य हैं और 7 यूनियन टेरेटरी हैं। कब मिला इंडिपेंडेंस? 15 अगस्त को, ठीक है। संविधान कब आया फोर्स में? 26 जनवरी 1950 को। जो संविधान है हमारा इट इज़ द सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम इन द कंट्री। मतलब क्या है इसका? सोर्स ऑफ लीगल सिस्टम, जो भी कानून बनेंगे हमारे वो इस संविधान को कन्फॉर्म करेंगे। मतलब कि अगर कोई कानून बना जो संविधान के किसी भी दूसरे प्रोविजन को, जैसे कि किसी भी आर्टिकल को अगर वायलेट करता हो ना, तो हमारे सुप्रीम कोर्ट है, हमारे जो हाई कोर्ट है, उसको स्ट्राइक डाउन कर सकते हैं। अगर कोई भी लॉ हमारे संविधान के किसी भी प्रोविजन को वायलेट करता है तो हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है और हमारा जो हाई कोर्ट है उसको अपने जो पावर है जुडिशियल रिव्यू का, इसको इस्तेमाल करते हुए स्ट्राइक डाउन कर सकता है। बस में आती है आगे है जो हमारा एग्जीक्यूटिव ब्रांच। देखो सरकार के होते हैं 3 ब्रांच, पहला एग्जीक्यूटिव, दूसरा लेजिस्लेचर, तीसरा जुडिशरी। हमारे यहाँ सेपरेशन ऑफ पावर है। मतलब क्या? जो ताकत होती है इसको हम अलग अलग अंगों में बांटते हैं। कौन कौन से अंग? एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर, जुडिशरी। जो हमारा विधायिका होता है, दोस्तों जो लेजिस्लेचर होता है, ये बनाता है कानून। इस कानून को एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंट करता है और अगर कोई अगर किसी राइट का वायलेशन हुआ है, अगर कोई दोस्तों कानून टूटा है, तो डिसाइड कौन करेगा? हमारी जुडिशरी करेगा, ठीक है। अगर देखो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट वाइल पीएम इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, आपको मैंने पहले बता दिया है। आगे देखो क्या बोलता है। आगे हमारा है कि हमारी विधायिका, जो विधायिका है ये होता है हमारा पार्लियामेंट। इसमें होते हैं 2 सदन, पहला होता है हमारा लोकसभा जिसको हम लोग कहते हैं हाउस ऑफ पीपल, दूसरा हमारा होता है राज्यसभा। ध्यान सुना, जो राज्यसभा है ये हमारा अपर हाउस है, ठीक है ना, ऊपरी सदन है ये। लोअर हाउस क्या है हमारा? लोकसभा। ध्यान देना, लोअर ला लोकसभा ला, याद रहेगा अब, लोक ला लोअर ला। आगे हमारा दोस्तों क्या? विधायिका। सुप्रीम कोर्ट ये क्या है? एपेक्स बोर्ड है हमारे जुडिशरी का। हमारे यहाँ इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। क्या है? इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। मतलब कि हमारे जो राज्य के कानून है, हमारे जो पार्लियामेंट के कानून है, दोनों को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक ही जुडिशरी है। मतलब कि हाईकोर्ट जो होता है वो पार्लियामेंट का जो लॉ है उसका भी केस सुनेगा, जो राज्य का जो लॉ है उसका भी केस सुनेगा। हमारा दोस्तों हमारे यहाँ होता है तिरंगा। ये क्या है दोस्तों? ये हमारा है ट्राई कलर। इसमें होता है केसरिया सैफ्रॉन, बीच में होता है सफ़ेद और दोस्तों नीचे होता है हमारा डार्क ग्रीन इन इक्वल प्रपोर्शन। एट द सेंटर ऑफ द सेंटर क्या है हमारा? यहाँ पर दोस्तों हमारा होता है वाइट बैंड। इसमें दोस्तों हमारा होता है नेवी ब्लू कलर का व्हील। अशोक चक्र रंग क्या होता है? नेवी ब्लू। इट इज़ अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अशोक चक्र, जो कहाँ पर है? सारनाथ में है। हमारे यहाँ है 3 राष्ट्रीय दिवस, 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर। तो दोस्तों ये था हमारा चैप्टर नंबर 1, लेसन नंबर 1, हमारा जो लुसेंट का जीके है उसका। सवाल आपके लिए पहला ये है, जो हमारा संविधान सभा है इसको सेटअप किया गया था एक प्लान के अंतर्गत, वो कौन सा प्लान था? कौन से एक्ट ने, कौन से मिशन ने उस प्लान को दिया था? पहला है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, कैबिनेट मिशन प्लान। चौथा है क्वींस प्रोक्लेमेशन। दोस्तों हमारा जो कैबिनेट मिशन प्लान था ना, इसी के अंतर्गत जो हमारा संविधान सभा था इसको गठित किया गया था। मेरा आंसर यहाँ पर है सी। हु हेडेड द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द संविधान सभा? जो हमारा ड्राफ्टिंग कमेटी था इसकी किसने, दोस्तों
अध्यक्षता ये की थी हमारे अंबेडकर साहब ने, डी इज द करेक्ट आंसर। संविधान सभा ने जो फ्रेम किया हमारा संविधान, संविधान उसको सेटअप कब किया गया था दोस्तों, जो हमारा संविधान सभा था इसको सेटअप कब किया गया था आपको बताना है। ये 1945, 46, 47 या फिर 49, आपके पास चार ऑप्शन है। तो दोस्तों ये था हमारा लेसन नंबर 1, अब हम मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, जय हिंद।